बड़े व्यापारियों के बड़े बड़े नेता ओल्ड हॉस्पिटल रोड के रमेश चंद्र जी, अंकू खजूरिया, नीतीश खजूरिया जी, दलबीर सिंह जी, विमल जी, कपड़ा व्यापारी बलविंदर सिंह जी, विकास जी, पुरानी मंडी, सिटी चौक, रघुनाथ बाजार, जैन बाजार, खिलौने की गली, परेड के सभी व्यापारी खड़े हैं और इन्होंने ये मांग की है एलजी साहब कि आपने हमारा दरबार मुंह बंद करके हमारी रोजी रोटी के ऊपर, हमारे परिवारों का रोजी रोटी को आपने छीना है, इसलिए जल्द से जल्द दरबार मूव शुरू किया जाए। और साथ में हमारी ये मांग है कि आप पहले नोटबंदी की मार, फिर कोरोना की मार, फिर ये दरबार मूव की मार, अब ये सारी आपने हमारे जो 200 साल पुराना इतिहास था महाराजा हरि सिंह जी का, ये दरबार मूव को बंद करके आप कहते हैं 200 करोड़ रुपया बचाया। कौन है आपके एडवाइजर, कौन है आपके सलाहकार जो आपको ऐसी सलाह देते हैं, गलत सलाह देते हैं? आपने लाखों करोड़ रुपए का जीएसटी का फायदा जो व्यापारी लोग सेल करते थे वो फायदा सरकार का आपने नुकसान करा दिया। बिना समय गवाए आप हमारा दरबार मूव शुरू करें। और अफसोस की बात है कि जो जम्मू में एलजी एक ही सरकार का है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, आज अगर 50% दरबार आया है तो ये इन व्यापारियों के संघर्ष की वजह से, एजिटेशन की वजह से आया है, इनका किसी ने कोई साथ नहीं दिया। आप सभी के बयान सुन लीजिए और साथ में हम ये मांग करते हैं कि दरबार मूव को शुरू करके फुल फ्लैग दरबार मूव जम्मू में लाया जाए। और ये व्यापारियों की जीत है, ये सभी जम्मू के होटल्स रेस्टोरेंट व्यापारियों की जीत है कि जो 50% दरबार मूव आया है। हम एलजी साहब आपसे गुजारिश करेंगे आप 100% दरबार मूव लाए। अब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें जम्मू के बड़े बड़े नेता विमल गुप्ता जी, रमेश शिंदा जी, रितिज खजूरिया जी, सरदार बलविंदर सिंह जी, मोहनलाल शर्मा जी, बलबीर सिंह जी, ये व्यापारियों के बड़े बड़े नेता हैं जिनके मांग है कि एलजी साहब जम्मू का व्यापार खत्म हो गया है, इसे ठीक करने के लिए, व्यापारियों का कारोबार रोजी रोटी चलाने के लिए आप दरबार मूव शुरू करें। नंबर एक, पहले नोटबंदी की मार हाथ खड़े करके, फिर कोरोना की मार, फिर उसके बाद जीएसटी की मार, और अब आप कहते हैं 200 करोड़ रुपया बचा लिया। अरे क्या 200 करोड़ रुपया बचा लिया आपने? जम्मू कश्मीर का व्यापारी, होटल्स, रेस्टोरेंट, शोरूम, मॉल्स आप देखें, यहाँ पे आप एक एक व्यापारी की दुकान पे पत्रकार मित्र जाएं और उनके ले रिएक्शन ले कि दरबार मूव के बाद उनका ना बिजली का किराया निकल रहा है, मुलाजमत कम हो गई, जिस शोरूम में 10-10, 20-20 मुलाजिम काम करते थे वो एक एक दो दो मुलाजिम रह गया और बेरोजगारी भी बढ़ गई। नौकरी तो आप किसी को दे नहीं रहे, कारोबार आपने ठप कर दिए, इसलिए हमारी ये मांग है कि दरबार मूव जल्द से जल्द हाथ खड़े करके शुरू किया जाए, डोगरा रियासत वापिस की जाए। और इसके साथ साथ अब मैं ये कहूंगा